नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बिस्सन न्यूज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा सरकार पर पार्टी के प्रचार के लिए सरकारी धन के दुरुपयोग पर आज केंद्रीय मंत्री फगन सिंह को कुलस्ते ने मोहर लगा दी। स्थानीय सर्किट हाउस में आयोजित सरकारी पत्रकार वार्ता पर लगाए गए भाजपा के बैनर पोस्टर पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हर सरकार अपनी योजनाओं के प्रसार प्रचार के लिए सरकारी तंत्र का उपयोग करती है, यह कोई नई बात नहीं है। दरअसल स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के बाहर भाजपा के मिस कॉल अभियान की पोस्ट बड़ी मात्रा में लगी हुई थी, जबकि वह पत्रकार वार्ता शासकीय स्तर पर आयोजित की गई थी। रामायण जलाने वाले पूर्व विधायक मनमोहन शाह भट्टी की पुत्री को भाजपा से टिकट दिए जाने पर उन्होंने कहा कि भाजपा में सभी का स्वागत है और राजनीति में बहुत सी बातों पर समझौता करना पड़ता है। पार्टी ने यह निर्णय लिया है तो जरूर उसके पीछे कोई कारण होगा। संसद में भाजपा सांसद विधुड़ी द्वारा सांसद दानिश खान के साथ अपशब्दों का प्रयोग किए जाने पर उन्होंने कहा कि कई बार आवेश में ऐसी बातें हो जाती है, लेकिन बाद में उन्होंने इसके लिए माफी भी मांग ली थी। देखिए, जब कोई जनहितैषी काम होते हैं, जनकल्याण के काम होते हैं, तो स्वाभाविक तौर से सरकार कोई भी नहीं, अगर सरकार का कोई व्यक्ति, सत्ता का व्यक्ति अगर आता है, तो स्वाभाविक तौर से हम सरकारी कामकाज की दृष्टि से जब किसी का लोकार्पण, भूमि पूजन या जनता के हित में जो सरकार ने निर्णय किया है, तो स्वाभाविक उसमें कहीं ना कहीं इसका उपयोग होता है। ऐसा नहीं है, हमने कांग्रेस को भी देखा है कि सत्ता का उपयोग वो भी करते थे, परंतु विकास के काम नहीं किए। हमने विकास के काम भी किया है और इसका जो सत्ता का जो लाभ है या उपयोग कर सकते हैं, जनता के हित में कर रहे हैं, हम अपने व्यक्तिगत हित के लिए नहीं कर रहे। जनता को मोबिलाइजेशन करना, जनता को बुलाना, स्वाभाविक उस पर कहीं ना कहीं। एनबीसी न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट। चौरई विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत केवलारी में पेंच बांध प्रभावित किसान संगठन के द्वारा जल सत्याग्रह आंदोलन किया गया, जहाँ आसपास से हजारों की संख्या में किसान सहित महिलाएं भी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ पहुंचे। सभी किसानों द्वारा 11 तारीख को छिंदवाड़ा में विशाल रैली निकाली गई थी और ज्ञापन भी दिया गया था। शासन प्रशासन ने एक सप्ताह का समय देकर सभी किसानों को वापस भेज दिया था, लेकिन एक सप्ताह से ज्यादा बीतने के बाद भी सरकार किसानों के बारे में कोई निर्णय नहीं ले पाई है, इसलिए पेंच बांध प्रभावित किसान संगठन के द्वारा ग्राम केवलारी में किसानों का जल सत्याग्रह आंदोलन रखा गया था, जो सुबह करीब 8 बजे से शुरू हो चुका है। भारी संख्या में महिलाओं ने 4 से 5 घंटे पानी के अंदर डूबकर आंदोलन करते रही। आंदोलन स्थल पर भारी पुलिस प्रशासन सहित एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद रही। पेंच परियोजना के अंतर्गत माचागोरा बांध में जलाशय होने के कारण आसपास के 31 ग्राम प्रभावित हो गए हैं, जिनकी आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए तो सिर्फ 4 ग्राम भुतेरा, धनुरा, भुला, बारा बिहारी पूरी तरह जलमग्न है और 14 ग्राम आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं और साथ ही 13 ग्रामों की मात्र भूमि प्रभावित हुई है। किसानों ने बताया कि जलाशय निर्माण के दौरान आसपास के लगभग 2500 परिवार प्रभावित हुए हैं। बांध प्रभावित किसानों की कुछ मुख्य मांगे इस तरह है कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार 4 गुना मुआवजा प्रदान किया जाए, सरदार सरोवर बांध की तर्ज पर विशेष पैकेज दिया जाए, शासन द्वारा बसाए गए पुनर्वास को पुनर्अर्जन कर शहर के किनारे विस्थापित किया जाए, मत्स्य पालन एवं मछली का ठेका प्रभावित ग्रामों की समिति एवं मछुआरों को दिया जाए। जिन किसानों के विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन के भू अर्जन प्रकरण लंबित है, उन सभी अपीलीय प्रकरणों को वापस लेकर जो फरियादी किसानों को मुआवजा दिया जाए, जिला कलेक्टर स्तर की समस्या का तत्काल निराकरण किया जाए, थर्मल पावर के लिए ली गई जमीन को किसानों को स्वामित्व किया जाए। पेंच बांध प्रभावित किसान परिवारों ने अपनी इस मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। मैं परशुराम वर्मा डूब क्षेत्र का एक प्रभावित किसान हूँ। हमारी विगत लगभग 8 वर्षों से लगातार मांगें चल रही है कि शासन प्रशासन का ध्यान हम भाजपा और कांग्रेस दोनों दल के नेताओं से भी गुहार लगा चुके हैं और SDM से लेकर कलेक्टर तक भी हम 11 सितंबर को ज्ञापन के माध्यम से दे चुके हैं। 20 सितंबर को हमने घोषणा किए थे कि हम एक संकेतिक जल सत्याग्रह क्योलारी संभा इसी ग्राम में करेंगे। इस गांव को आप देख सकते हैं, आप मीडिया के लोग हैं, आप हमारी बात को उठा सकते हैं कि ये आसपास से टापू में तब्दील हुआ है ग्राम पंचायत क्योलारी संभा, और पीछे से भी पानी भरा है, सामने से भी पानी भरा है।
और उसमें जहरीले सर्प घर में घुस रहे हैं, सर्प डस से मृत्यु हो रही है, पानी में डूबने से मृत्यु हो रही है। युवाओं को काम की तलाश में बाहर जाना पड़ता है, यहाँ काम धंधा कुछ नहीं है। मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि जे बचे मकान जो है उनका अधिग्रहण करके किसानों को पैसा दें और पुनर्वास में उनको विस्थापित करें। पहली बात ये है, आज हम समस्त 21 गांव के जो माचा घोड़ा बांध बना है उसे डूब से प्रभावित होकर यहाँ ग्राम केवलारी में जल सत्याग्रह किए हमने। इसमें हम ये चाहते हैं कि हमारे जो 21 गांव के युवा है उनको नौकरी दिया जाए, हमारे गांव को शहर के किनारे बसाया जाए। हम यहां पर जो रह रहे हैं हमारी ज़िंदगी बिल्कुल कीड़े मकोड़े की तरह है। तीन तरफ से पानी है, एक तरफ से अदानी है, आने जाने का कोई मार्ग नहीं है। हमारे जो लड़के युवा लोग शादी के योग्य है, दुर्भाग्यवश लड़की के लिए अगर हम रिश्ता लेने जाते हैं तो लड़की वाले हमसे मुआवजा खेती ये सब पूछते हैं। अब हमारे पास है नहीं तो हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा ये बताए शासन प्रशासन। आज से नहीं, हम लगातार 9 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं लेकिन शासन और प्रशासन ने आज तक हमारी कोई सुध नहीं ली। इन बीसी न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट। हिंदी समाचार में फिलहाल इतना ही, ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए बीसी न्यूज। नमस्कार।